सो हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष द्विवेदी। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आज के इस नए वीडियो में ट्रिप डायरी के। अब आज की जो मेरी ट्रिप है वो है गुडविल मोटर्स की, विच इज़ अ प्री ओन्ड कार शोरूम इन बानेर एरिया इन पुणे। अब हमेशा की तरह जो इसकी एड्रेस डिटेल्स हैं और कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप वहाँ से उठा ही सकते हैं। अब आज जो गाड़ी मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है ये वाइट कलर में टोयोटा फॉर्चूनर ऑटोमेटिक टॉप वेरिएंट की गाड़ी। अब इसके लिए बहुत सारे लोग मेरे से काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहे थे कि फॉर्चूनर का वीडियो बनाने के लिए। तो अब ये जो गाड़ी है दोस्तों ये है दिसंबर 2018 मॉडल। तो चलिए जानते हैं इस गाड़ी की स्पेसिफिकेशंस के बारे में, ये कितना चली हुई है, कौन सा ऑनर है और मुद्दे की बात यहाँ पे आपको कितने की ऑफर हो रही है। बने रहिए ट्रिप डायरी के साथ। सो दोस्तों, एक्सटीरियर डिजाइनिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिलता है बड़ा सा ग्रिल, बीच में आपको मिलती है टोयोटा की बैजिंग, देन नीचे आपको एक ब्लैक कलर में एक और ग्रिल मिलता है। हुड की अगर नीचे की मैं बात करूँ तो इसमें आपको मिलता है 2.8 लीटर का डीजल इंजन जो कि जनरेट करता है 174 bhp की पावर एंड 450 न्यूटन मीटर का टॉर्क। बाकी अगर मैं करूँ हेडलाइट की बात तो आप देख सकते हैं इसमें आपको मिलता है बाई बीम LED सिस्टम विद प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। ये आप देख सकते हैं इसकी डे लाइट रनिंग LEDs जो कि काफ़ी शानदार लुक देखती है। अब एक चीज़ मैं और बता दूं दोस्तों, आप यहाँ जैसे देखेंगे तो यहाँ आपको दिख रही है फॉर्चूनर लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट। और इस गाड़ी में जगह जगह आपको फॉर्चूनर लिखा हुआ मिल जाएगा क्योंकि शायद टोयोटा आपको याद दिलाना चाहता है कि दिस इज़ 2.8, लेकिन आप इनोवा क्रेस्टा में नहीं बैठे हैं, फॉर्चूनर में ही बैठे हैं। चलें अगर साइड की तरफ तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको मिल जाते हैं 17 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स जो कि एक काफ़ी शानदार लुक देते हैं, और टायर की कंडीशन भी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट नई जैसी ही है। बाकी हम चलते हैं और साइड में तो आपको यहाँ पर मिलते हैं बॉडी कलर्ड ORVMs जिसमें आपको नीचे मिलता है यहाँ पे वेलकम लैम्प का फीचर भी, और साथ में आपको मिलते हैं यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिलता है फुटस्टेप। अगर मैं डोर हैंडल की बात करूँ तो आपको मिलता है क्रोम डोर हैंडल, यहाँ पे आपको मिलती है पैसिव एंट्री का स्विच। अब दोनों गेट पे आपको यही मिलता है, साथ ही साथ जैसा मैं आपको कह रहा था यू कैन सी द फॉर्चूनर इज रिटन ओवर हेयर एज वेल। गाड़ी आप टोयोटा आपको याद दिलाना चाहता है दैट यू आर इन अ फॉर्च्यूनर, यू आर नॉट इन एन इनोवा। बाकी आप हाइट की अगर मैं बात करूँ तो आप रेफरेंस देख सकते हैं, मेरी जो हाइट है ऑलमोस्ट 5 फुट 11 इंच है और ये ऑलमोस्ट मेरी हाइट की मुझसे ऊंची ही गाड़ी है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिलता है 225 mm का ग्राउंड क्लियरेंस जिससे कि आप ऑफ रोडिंग वगैरह आराम से ही कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे आपको मिलती है फॉर्च्यूनर की बैजिंग, देन क्रोम डोर हैंडल। जो विंडोज़ हैं काफ़ी बड़ी सी हैं। अब चलिए चलते हैं गाड़ी के पीछे की तरफ। सो पीछे की अगर मैं बात करूं तो आपको मिलते हैं इसमें LED टेल लैंप्स, राइट, अगेन विद क्रोम फिनिशिंग ओवर देयर। और अगर मैं ग्लास की बात करूं तो ये आपका रियर वाइपर, रियर डिफॉगर एंड देन हाई माउंट टेल लैंप। बाकी इसमें आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिलता है, वो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज़ योर रिवर्स पार्किंग कैमरा। देन बीच में आपको मिलता है टोयोटा का लोगो, अगेन बड़ी सी फॉर्चूनर की बैजिंग, यहाँ पे भी आपकी फॉर्चूनर की बैजिंग है ही। बाकी अगर मैं बूट स्पेस की बात करूँ, अब इसको ओपन करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, या तो मैं इसको मैन्युअली भी ओपन कर सकता हूँ, इसका स्विच मैं यहाँ नीचे दिया हुआ है, और आई कैन ओपन इट बाई यूजिंग दिस बटन इन माई की, राइट। की की अगर मैं बात करूँ, आपको दिखाना भूल गया, तो इसमें आपको मिलता है लॉक स्विच, अनलॉक स्विच एंड दिस इज माई रिमोट बूट ओपनर। इसको आप देखिए, मैं प्रेस करके रखूँगा एंड यू सी मेरा बूट जो है वो ओपन हो गया है। अब जो मेरी सीट्स हैं वो क्योंकि अभी ऊपर हैं तो यहाँ मुझे मिलता है अराउंड 297 लीटर्स का बूट स्पेस। अगर मैं चाहूँ अपना बूट स्पेस और बढ़ाना है मुझे, आई जस्ट हैव टू पुल दिस, राइट, और ये मैं सीट नीचे कर सकता हूँ और इसको मैं ऊपर साइड में भी टांग सकता हूँ, मेरा बूट स्पेस और बढ़ जाएगा। इफ़ आई वॉन्ट इवन मोर बूट स्पेस तो जो मिडिल रो है वो भी मेरी 60-40 स्प्लिट है, मैं उसको भी नीचे कर सकता हूँ एंड द बूट स्पेस देन बिकम्स मैसिव। आप अपने पूरा घर का सामान अगर शिफ्ट करना है या फिर आपको लंबी छुट्टी मनाने कहीं जाना है, सब कुछ आप इसमें भर के आराम से जा सकते हैं। बाकी अगर साइड की बात करूँ तो यहाँ पर आपको मिलते हैं ये हैंगर जिसमें आप अपना कुछ सामान टांग सकते हैं, देन यहाँ के इसके नीचे आपको मिलती है आपकी टूल किट, देन यहाँ आपको मिलता है 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट। बाकी अगर मैं स्पेयर व्हील की बात करूं तो स्पेयर व्हील है आपका यहाँ पे नीचे, थोड़ा गंदा हो रहा है बारिश की वजह से, बट इट इज़ आल्सो इन एक्सट्रीमली गुड कंडीशन। गेट को अगर मैं बंद करने की बात करूं तो आई जस्ट हैव टू प्रेस दिस बटन और मेरा गेट बंद हो जाएगा। बट एक चीज़ और जो मुझे इस गाड़ी में अच्छी लगी, यूजुअली आपको 1 टैप बटन मिलती है बूट पे क्लोज करने के लिए, लेकिन अगर आप अगेन जो रिमोट में आपको बटन दी हुई है इसको आप प्रेस करके रखेंगे तो आपका बूट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। सो बूट बंद करने के लिए इसके थ्रू मैं बंद कर सकता हूँ और आई जस्ट हैव टू प्रेस इट। मेरा बूट जो है वो ऑटोमेटिकली बंद होने लग गया है, राइट। बाकी अगर हम करें दूसरे साइड की बात तो यहाँ पे आपको मिलता है फ्यूल टैंक, इट इज़ ऑब्वियसली डीजल, इसमें आपको मिलती है 80 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी। ऊपर की अगर बात करें तो आपको इसमें मिलते हैं रूफ रेल्स भी, और पीछे आप देख सकते हैं आपको मिलता है यहाँ पे शार्क फिन एंटीना। बाकी सेफ्टी फीचर्स की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो इसमें आपको मिलते हैं लगभग 8 एयरबैग्स। बाकी ब्रेकिंग एंड ट्रैक्शन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको मिलता है ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल असिस्ट, फुल हिल डिसेंट कंट्रोल एंड ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। सो दोस्तों, ये तो थी हमारे एक्सटीरियर और स्पेसिफिकेशंस की बात। अब चलिए हम चलते हैं गाड़ी के अंदर और मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर आपको क्या क्या मिलता है। बने रहिए ट्रिप डायरी के साथ।
सो दोस्तों गाड़ी अभी लॉक है, अब मैं चलिए इसको कर देता हूँ अनलॉक। अब जब मैं इसको अनलॉक करूँगा तो देखिए ये जो मिरर्स हैं ये आपके ऑटो रिट्रैक्टेबल मिरर आपको इसमें नहीं मिलते हैं। जैसे मैं आपको बोल रहा था आपको पैसिव एंट्री मिलती है दोनों डोर्स पे। मैं चलिए गाड़ी को जब मैं ओपन करता हूँ तो सबसे पहले अगर मैं डोर की बात करूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं आपको मिलता है एक बड़ा सा डोर पॉकेट, 1 लीटर की बॉटल आराम से आ जाएगी। देन ये जो है आपको लेदर की फिनिशिंग मिलती है स्टिचिंग के साथ। देन ये है आपके पावर विंडो के स्विचेस। अब ये जो चारों विंडोज़ हैं इसकी, ये चारों विंडोज़ वन टच डाउन है, विच इज़ अ नाइस थिंग गिवन बाय टोयोटा। इसके बाद ये है आपके ORVM को कंट्रोल करने के स्विचेस एंड ये है आपकी लॉक अनलॉक बटन। ऊपर यहाँ पे आपको मिलता है एक डोर हैंडल जो कि क्रोम प्लेटेड है। बाकी अगर आप नीचे यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिलती है इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स। आप देख सकते हैं मैं इसको यहाँ से आगे पीछे स्लाइड कर सकता हूँ, राइट। आई कैन इंक्रीज द हाइट ऑफ माई सीट एज वेल फ्रॉम हेयर, राइट। एंड देन जो मेरा बैक रेस्ट है आप देख सकते हैं ऊपर ये आगे आ रहा होगा और इसको मैं वापस पीछे कर देता हूँ। इसमें आपको मिलती है 6-way इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स। अब ये जो सीट्स हैं ये फ्रंट दोनों पैसेंजर के लिए इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ही हैं। तो चलिए मैं चलता हूँ गाड़ी के अंदर। अब यू कैन सी क्योंकि गाड़ी की हाइट काफ़ी ज़्यादा है तो एक आपको अलग से एक और हैंडल दिया गया है। आई कैन जस्ट होल्ड इट और मैं इसको होल्ड करके फिर आराम से ऊपर यहाँ पे जा सकता हूँ। स्टेयरिंग की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो इसमें आपको मिलता है एक राउंड स्टेयरिंग जो कि काफ़ी स्टडी सा आपको फील देता है। उसके बाद मेरी देखिए ड्राइविंग पोजीशन जो है वो कितनी अग्रेसिव है, हाइट देखिए जहाँ मैं बैठता हूँ। इसके बाद स्टेयरिंग में आपको यहाँ पे एक वुडन ट्रिम फिनिश भी मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा देखा जाता है। इसकी जो कलर है वो मैच होता है जो आपको डोर पर लेदर दिया हुआ है उससे। स्टेयरिंग की अगर मैं बात करूँ तो सेंटर में आपको मिलता है टोयोटा का लोगो, हॉर्न कुछ इस तरीके से बजता है। देन आपका नीचे है SRS एयरबैग, ये अगेन आपकी क्रोम की थोड़ी सी फिनिशिंग है। स्टेयरिंग कंट्रोल्स की अगर मैं बात करूँ तो लेफ्ट साइड में आपको मिलते हैं आपके वॉल्यूम कंट्रोल्स, वॉइस असिस्ट के कंट्रोल्स एंड फोन को उठाने और डिस्कनेक्ट के कंट्रोल्स। राइट साइड की अगर मैं बात करूँ तो आपको मिलते हैं यहाँ पे जो आपका मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम है, यहाँ पे जो TFT है छोटी सी, उसको कंट्रोल करने के स्विचेस। बाकी स्टीयरिंग के पीछे अगर देखें तो यहाँ पे आपको मिलता है पैडल शिफ्टर भी, ये माइनस ये प्लस। उसके पीछे आप देख सकते हैं आपके हेडलाइट के स्विचेस। देन लेफ्ट साइड में अगर आप देखें तो आपको मिलते हैं वाइपर के स्विचेस। अब एक चीज़ और, जो क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन वो भी है गाड़ी में और उसका स्विच यहाँ पे स्टीयरिंग के पीछे ही है। बाकी स्टीयरिंग जो है दोस्तों वो आप देखिए आपका हाइट और रीच दोनों के लिए ही एडजस्टेबल है, राइट। बट ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ये मैनुअल है। इसका बटन आपको यहाँ नीचे दिया हुआ है, इसको आप ऊपर नीचे करके लॉक कर सकते हैं। बाकी अगर मैं डैशबोर्ड की बात करूँ तो आप देखिए आपको एक ऐसा फ्लोटिंग स्टाइल यहाँ पर डैशबोर्ड मिलता है काफ़ी मस्त सा, जो कि काफ़ी प्रीमियम लुक देता है। डैशबोर्ड की डिज़ाइन मुझे काफ़ी पसंद आई। साथ ही साथ आपको यहाँ पर मिलते हैं 4 AC वेंट्स, 1, 2, 3, 4 दोनों डोर्स पर आपको ट्विटर भी मिलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एक और SRS एयरबैग की बैजिंग। ग्लव बॉक्स की अगर मैं बात करूँ 2 ग्लव बॉक्स मिलते हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं अगेन यहाँ फॉर्चूनर लिखा हुआ है बिकॉज टोयोटा वॉन्ट्स टू रिमाइंड यू कि आप फॉर्चूनर में बैठे हैं, इनोवा क्रेस्टा में नहीं बैठे हैं। इसको मैं ओपन करता हूँ तो दिस इज अ चिल्ड ग्लव बॉक्स। इसमें आप अपना जो सामान रखेंगे या पानी की बॉटल वगैरह रखेंगे तो थोड़ी देर के लिए ठंडा रहेगा। बाकी आपको नीचे एक और ग्लव बॉक्स मिलता है जो कि काफ़ी डीप है। सो ये थी आपकी स्पेस की बात। उसके बाद अगर मैं सेंटर में यहाँ बात करूँ तो ये है मेरा हैजार्ड सिग्नल। देन मुझे यहाँ पर मिलती है एक डिजिटल क्लॉक। और अगर मैं ऊपर की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे मिलता है एक सनवाइजर विथ वैनिटी मिरर एंड लाइट। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट दिस साइड, यहाँ पे भी मुझे मिलता है एक सनवाइजर विथ वैनिटी मिरर एंड लाइट। ऊपर की बात करूँ तो ये है मेरे लैम्प के स्विचेस एंड बाकी यहाँ मुझे मिलता है एक गॉगल होल्डर। बाकी यहाँ की अगर बात करूँ तो मुझे मिलता है मेरे पार्किंग सेंसर के स्विचेस। देन जो ये जो बटन है इससे अगर मैं ये बटन को दबाता हूँ दैट इज द पावर डोर ऑफ, तो मैं मेरे रिमोट के थ्रू जो मेरा बूट है उसके डोर को ऑन ऑफ नहीं कर पाऊंगा। साइड में मुझे मिलता है एक बूट स्पेस का स्विच एंड देन नीचे ये है मेरा बोनट ओपनर और ये है मेरा फ्यूल फ्लैप ओपनर। ये रही मेरी स्टार्ट स्टॉप बटन। चलिए मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ अभी। कुछ इस तरीके से अब इग्निशन में आ चुकी है फॉर्चूनर। मैं इसको एक बार और प्रेस करूँगा तो ये देखिए, राइट। आप देख सकते हैं मेरा जो MID सिस्टम है वो भी चालू हो गया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात करूँ तो आपको मिलता है स्पीडोमीटर, देन RPM मीटर। अब RPM मीटर के नीचे आपका जो है टेम्परेचर गेज है और स्पीडोमीटर के नीचे आपका जो है वहाँ पे फ्यूल गेज है। और स्पीड की अगर बात करूँ तो लगभग 200 km/h की इसमें टॉप स्पीड है मीटर में सेट। बाकी MID जैसा मैं आपको बोल रहा था आप इसके थ्रू इसको कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। यू कैन सी देन यहाँ पर मैं डिफरेंट मैसेजेस, ऑडियो, नेविगेशन, राइट। एंड देन जो मेरी इको सेविंग मोड है, फ्यूल कंजम्पशन कितना हो रहा है, आफ्टर रीसेट क्या हुआ था, ट्रिप्स वगैरह, ये सब कुछ मैं यहाँ से देख ही सकता हूँ। बात करूँ अगर सेंटर कंसोल की तो यहाँ पे मुझे मिलता है एक टच स्क्रीन मल्टीमीडिया सिस्टम। अब जो बटन्स भी हैं यहाँ पे दोस्तों ये कैपेसिटिव टच बटन्स हैं, राइट, कि रिस्पॉन्सिव भी हैं। और यहाँ पे मुझे मिलता है CD चेंजर और साथ ही साथ में आप यहाँ पे अपना SD कार्ड भी माउंट कर सकता हूँ। नीचे मुझे यहाँ पे मिलता है डुअल जोन AC क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम और ये है मेरे रियर AC के स्विचेस, साथ ही साथ है मेरे डिफॉगर के स्विचेस। और नीचे अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे मुझे मिलता है 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट। उसके बाजू में मुझे मिलती है एक USB सॉकेट एंड ऑक्स केबल का एक पोर्ट मिलता है। बाकी यहाँ पे छोटा सा स्पेस एक और दिया गया है
उसमें मैं कुछ सामान रख सकता हूँ। और नीचे कराऊँ तो वुडन फिनिश में मुझे यहाँ पे एक कंपार्टमेंट दिया गया है, इसको मैं ओपन करता हूँ तो आई गेट टू कप होल्डर्स हेयर, राइट। इसके मैं इसको बंद करता हूँ, देन अगर मैं चलूँ और पीछे तो मुझे यहाँ पे 6-speed ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स मिलता है स्पोर्ट्स मोड के साथ। पीछे अगर मैं और आता हूँ तो यहाँ पे मुझे इको मोड और पावर मोड के स्विचेस मिलते हैं। देन ये है मेरा ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच एंड दिस इज़ फॉर इंजन स्टार्ट स्टॉप फंक्शन स्विच। देन मेरा है एक बड़ा सा काफ़ी हैंड ब्रेक। देन पीछे एक और कंपार्टमेंट मुझे मिलता है, इसमें अभी मेरा मल्टीमीडिया सिस्टम का रिमोट भी रखा हुआ है। ये जो कंपार्टमेंट है ये भी काफ़ी डीप है। देन यहाँ पे आपको 12 volt का चार्जिंग सॉकेट और मिलता है, जैसे कि आप यहाँ पे कुछ सामान भी रख सकते हैं। पीछे से कुछ इस तरीके का लुक आता है दोस्तों, देखिए सीट्स का। सो दोस्तों ये तो थी हमारे फ्रंट सीट्स की बात, अब चलिए मैं चलता हूँ सेकंड रो में और दिखाता हूँ कि वहाँ आपको क्या क्या मिलता है। देखते रहिए ट्रिप डायरी। अब दोस्तों मैं आ चुका हूँ बैक सीट पे। बैक सीट की अगर मैं बात करूँ तो आप हेडरूम तो देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा है, लेग रूम भी काफ़ी मिलता है मुझको इसमें। मेरे जैसे 3 लोग आराम से यहाँ बैठ सकते हैं, हालांकि जो थाई सपोर्ट है वो मुझे थोड़ा लग रहा है कि और इम्प्रूव हो सकता था। सेंटर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मुझे सेंटर में मिलता है आर्म रेस्ट, राइट। मैं आराम से अपना हाथ रख के बैठ सकता हूँ। साथ ही साथ आप देखेंगे इफ़ आई जस्ट प्रेस दिस तो ये आ जाता है मेरा कप होल्डर। यहाँ पे मैं 2 glass अपनी रख सकता हूँ, इसको मैं चलिए कर देता हूँ बंद। तीनों हेडरेस्ट तो आपको मिलते हैं पीछे। और बाकी अगर मैं सीट्स की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे मिलती है स्कूप्ड आउट सीट्स, और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ आपको मिलता है हुक जिसमें आप अपना कुछ सामान टांग ही सकते हैं। और अगर आप यहाँ आगे आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिलता है छोटा सा कंपार्टमेंट, यहाँ मैं मोबाइल वगैरह रख सकता हूँ। साथ ही साथ मुझे यहाँ पे मिलता है 12 volt का एक चार्जिंग सॉकेट। बाकी जैसा कि सीट्स का मैंने आपको बताया स्कूप्ड आउट सीट्स हैं ही। यहाँ पे है मेरा ये ऑटोमेटिक जो AC है उसको ऑन करने और ऑफ करने का ऑप्शन। देन ये है मेरे लैम्प्स, देन AC वेंट्स आपको ऊपर एक ये और एक यहाँ पे, 2 आपको AC वेंट्स मिलते हैं। साथ ही साथ जैसा मैंने आपको बोला ग्लास तो काफ़ी बड़े हैं ही। बाकी अगर मैं डोर की बात करूँ तो आप वहाँ अगर देखेंगे तो आपको डोर पे मिलता है क्रोम डोर हैंडल, देन आपको मिलता है पावर विंडो का स्विच, और नीचे आपको मिलता है बॉटल होल्डर जिसमें यहाँ पे 1 liter की बॉटल आपकी आराम से जाएगी। देन ये है आपका स्पीकर। सो दोस्तों ये तो थी हमारी मिडिल रो की बात, अब चलिए मैं आपको पीछे चल के दिखाता हूँ कि थर्ड रो में आपको कितना स्पेस मिलता है। देखते रहिए ट्रिप डायरी। अब दोस्तों अगर थर्ड रो में जाने की बात करूँ तो आई जस्ट हैव टू पुल दिस लीवर अप, इसको मैंने किया, ये आ गया है ऊपर, मैं इसको कर देता हूँ पीछे एंड यू कैन सी मैं फुट स्टेप पे चढ़ के एज ईजी एज दैट आई कैन गो बैक। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ थाई सपोर्ट दोस्तों बिल्कुल नहीं है मेरे पास, यहाँ पे 2 छोटे बच्चे आराम से बैठ सकते हैं, मेरे जैसे 2 लोग भी बैठ सकते हैं लेकिन थोड़ा हेडरूम कंस्ट्रेंट है। और साथ ही साथ जो कि मैंने बोला जो कंफर्टेबल है वो इतना ज़्यादा नहीं है। बाकी यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलती नहीं है, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, ये जो है अब ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है काफ़ी कि ये जो है मेरा सेंटर पैसेंजर जो है मिडिल वाला उसके लिए ये आपको सीट बेल्ट ऊपर दिया गया है। बाकी पीछे के लिए आपको यहाँ पे 2 AC वेंट भी दिए गए हैं, अभी जैसा मैंने आपको सीट नीचे करके दिखाई थी तो ये नीचे ही है। बाकी साइड में आपको एक बॉटल होल्डर भी मिलता है दोनों तरफ। तो ये तो थी थर्ड रो की बात, अब चलिए अगर मैं उतरना चाहूँ, अच्छा मैं आपको सीट पीछे करके दिखाना भूल गया, राइट। तो देखिए अब अगर मैं सीट पीछे कर लेता हूँ तो मैं ऐसे एकदम मतलब मुझे ऐसे बंद के ही बैठना पड़ेगा, थोड़ा बंदा बंदा लग रहा है। बाकी अगर मुझे नीचे उतरना है सो आई जस्ट हैव टू प्रेस दिस लीवर अगेन और मैं इसको आगे कर देता हूँ एंड आई कैन सिंपली ईजिली कम आउट जस्ट लाइक दिस। अब जो थर्ड रो में अंदर जाने का और बाहर निकलने का जो सहूलियत जिसको मैं बोलूँगा जितनी इस गाड़ी में है, इस सेगमेंट की बाकी गाड़ियों के कंपेरिजन में सबसे ज़्यादा अच्छी और सिंपल लगी मुझे। तो चलिए मैं इसको कर देता हूँ ऊपर। तो दोस्तों ये तो थी हमारे इंटीरियर की बात, अब चलिए हम चलते हैं बाहर और मिलते हैं शैलेश जी से और जानते हैं कि ये गाड़ी यहाँ पे आपको कितने की ऑफर हो रही है। सो दोस्तों अब मेरे साथ हैं शैलेश जी, आप इनको जानते होंगे, पुराने वीडियोस में आपने इनको देखा ही होगा, ये सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं गुडविल मोटर्स के। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आपने वापस चांस दिया हमें वीडियो बनाने के लिए। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग मी सर। अब शैलेश जी व्यूअर्स को मैं एक्सटीरियर और इंटीरियर डिटेल्स तो बता ही चुका हूँ, तो बाकी मुद्दे की बात पे आते हैं, बता दीजिए डिटेल्स के बारे में। सर ये टोयोटा फॉर्च्यूनर है 2.8 ऑटोमेटिक व्हीकल जी, 2018 का मॉडल है सर, 2018 दिसंबर का। ओके, यानी ऑलमोस्ट सिर्फ 1.5 साल ही पुरानी गाड़ी है, ऑलमोस्ट 2019 की ये मॉडल है सर ये। ठीक है जी, ये फर्स्ट ओनर है, अभी ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस गाड़ी का वैलिड है सर। गाड़ी का ये लोग हम लोग इसको अभी टेबल पे कोट कर रहे हैं प्राइस 32 lakh 30,000 रुपीज़ जी। और सर सर की रिक्वेस्ट पे एक स्पेशल ऑफर निकाला है कंपनी ने, ट्रिप डायरी थ्रू अगर कोई बुकिंग करता है तो हम लोग ये आपको दे रहे हैं सर 30,50,000 में विद कंप्रेहेंसिव इंश्योरेंस। ओके, सो दोस्तों शैलेश जी ने जैसा कि हमको बताया ये गाड़ी है सिंगल ओनर गाड़ी है, 35,000 किलोमीटर चली हुई है, 2018 दिसंबर की गाड़ी है। अगर आप इनके पास डायरेक्टली आते हैं तो ऑन टेबल ही आपको कोट करेंगे 32,30,000 रुपीज़। लेकिन अगर आप मेरे सब्सक्राइबर और ट्रिप डायरी के थ्रू इनके पास जाते हैं तो आपके लिए प्राइस कोट किया है 30,50,000 रुपये। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, नई गाड़ी जो है लगभग
40 लाख रुपए के आसपास आया करती थी। सो शैलेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आप ट्रिप डायरी की नेक्स्ट कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन मिस ना करें। साथ ही साथ आप मुझको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @ट्रिप डायरी, दैट इज TRIPDIARIE। सो दोस्तों आप सब अपना यूं ही ध्यान रखिए, देखते रहिए ट्रिप डायरी, मिलते हैं अगले वीडियो में।